जय भवानी। शहीद नायक जदुनाथ सिंह राठौड़। शहीद जदुनाथ सिंह राठौड़ सुपुत्र सौ श्री बीरबल सिंह जी राठौड़ निवासी गड्डी खाजूरी जलालाबाद का जन्म 21 नवंबर को शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश के एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ। इनके चरित्र और परोपकारी जीवन के लिए इन्हें हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी उपनाम भी दिया गया। यह नाम हनुमान जी महाराज के आधार पर था, जो आजीवन अविवाहित थे। जदुनाथ सिंह जी ने भी कभी शादी नहीं की, वे भी आजीवन अविवाहित थे। सेना में 1st राजपूत रेजिमेंट में, अब 4th गार्ड है, में नवंबर 1941 को भर्ती किया गया। स्वतंत्रता के साथ हुए देश के बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से इस क्षेत्र पर अचानक हमले शुरू कर दिए और कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। मीरपुर से लेकर पुंछ तक का इलाका पाक अधिकार में था और अब आगे नौशेरा पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। जनवरी 1948 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के इरादे पस्त करने के लिए अपने सैनिक अभियान शुरू किए और नौशेरा के उत्तर पश्चिम में स्थित कोट गांव तक पहुंच गए। नौशेरा की सुरक्षा के लिए 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान पुख्ता इंतजाम कर दुश्मन से निपटने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे थे। दुश्मन का संभावित हमला 6 फरवरी 1948 को धुंध के आच्छादित सुबह के समय था। नायक जदुनाथ सिंह अपनी टुकड़ी के साथ ताईधार की अग्रिम चौकी पर तैनात थे। दुश्मन भारी गोलाबारी करता हुआ धुंध के अंधेरे में भारी संख्या में एक के बाद एक कतार से नायक जदुनाथ सिंह की चौकियों को हथियाने आगे बढ़ रहे थे। इसी क्षण जदुनाथ सिंह ने अपना शौर्य और नेतृत्व का मिसाल पेश करते हुए अपनी छोटी सी टुकड़ी, जिसमें मात्र 9 जने सैनिक थे, उनका ऐसा प्रभावशाली इस्तेमाल किया कि दुश्मन को भारी नुकसान के साथ जबरदस्ती पीछे हटना पड़ा। इधर अपने 4 साथियों के साथ जख्मी हो जाने पर शेष बचे योद्धाओं के साथ मोर्चा संभालते हुए दुश्मन को एक बार फिर से शिकस्त देने के लिए तैयार हो गए। दुश्मन ने भारी संख्या और गोलाबारी के साथ फिर एक बार हमला किया। काफ़ी मशक्कत के बाद भी जदुनाथ सिंह की चौकी पर कब्जा करने में विफल रहे। हमले पर हमले होते रहे। जदुनाथ सिंह की टुकड़ी के सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए, पर वहीं डटे रहे। जदुनाथ सिंह स्वयं जख्मी हो गए, परंतु उन्होंने ब्रेन गन को लेकर ऐसा कहर बरसाया कि निश्चित होती हार विजय में परिवर्तित हो गई और दुश्मन का दूसरा आक्रमण भी फेल हो गया। दुश्मन ने तीसरा हमला किया। अब इस हमले का सामना करने जख्मी हालत में जदुनाथ सिंह अकेले ही सिंह की भांति बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए अपने मोर्चे से बाहर कूद कर आ गए और अपने हथियार से और हथगोलों से दुश्मन को भारी क्षति पहुँचाते हुए अपने पूर्वजों के साका की परंपरा की याद ताज़ा कराते अपनी मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हो गए। अंतिम श्वास तक अपनी चौकी की रक्षा की। कर्तव्य राष्ट्र ने अपने इस महान योद्धा की राष्ट्रभक्ति वीरता और शहादत का सम्मान करते हुए उन्हें वीरता का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र प्रदान किया। शहीद नायक जदुनाथ सिंह की स्मृति में जन्म स्थली शाहजहानपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर परमवीर चक्र लांस नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया। शहीद नायक जदुनाथ सिंह जी ने साबित कर दिया, भय उसी से भय खाता है जो भय से भय नहीं खाता। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर ले।